हाय, गुड मॉर्निंग. आज का टॉपिक सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट. इसका मतलब होमोजीनियस मिक्सचर है एक सॉल्यूशन जिसमें दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं. और होमोजीनियस मिक्सचर आ गया, दैट मींस इनका जो कंपोजिशन और इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो यूनिफॉर्म होगी थ्रू आउट. पूरे के अंदर एक ही जैसी प्रॉपर्टी होगी इनमें. अब जो सॉल्यूशंस होते हैं इनके जनरली दो पार्ट्स होते हैं. एक तो पार्ट होता है सॉल्यूट और एक पार्ट होता है सॉल्वेंट. मतलब सॉल्यूशंस के दो कंपोजिशंस, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. सॉल्वेंट वो होगा जो लार्जर अमाउंट में होगा, जो ज्यादा मात्रा में होगा, जो ज्यादा अमाउंट में वो सॉल्वेंट. और सॉल्यूट जो लेसर अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्यूट. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एक होता है लेकिन सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. अब जो फेज सॉल्वेंट की रहेगी, मतलब सॉल्वेंट जिस फेज में है सॉल्यूशन भी उसी फेज में रहेगा. तो सॉल्यूशन की फेज और सॉल्वेंट की फेज हमेशा एक ही रहती है. जैसे कि NaCl पानी, सॉल्ट में हमने पानी में मिक्स किया सॉल्ट को, तो NaCl जो है वो सॉलिड है. वाटर हमारा कैसा है? लिक्विड है. और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी कैसा रहेगा? लिक्विड रहेगा. दैट मींस इनकी जो फेज है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी. अब काफी ऐसे सॉल्यूशंस हैं कि हमने वर्ड सुनते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जैसे हमने सॉल्यूट को मिक्स किया, थोड़ा मिक्स किया, मिक्स हो गया, डिसॉल्व हो गया, उसमें और मिक्स किया. एक कंडीशन ऐसी होगी कि सॉल्यूट फर्दर मिक्स नहीं होगा उसी टेम्परेचर पे. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर. रिपीट कर रही हूं मैं. जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं कि नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर. मतलब आपको जो टेम्परेचर दिया गया है या आप जिस टेम्परेचर पे उसको मिला रहे हैं उस टेम्परेचर पे उससे ज्यादा सॉल्यूट उसमें नहीं घुल सकता. जैसे पानी में आप शक्कर मिला के देखिए, अगर आपके पास पानी में आप शक्कर मिक्स करें थोड़ी देर, एक ऐसी होगी आप बार बार शक्कर डालते रहिए, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि शक्कर उसमें मिक्स होना बंद हो जाएगी उसी टेम्परेचर पे. तो वो जो सॉल्यूशन है इस तरह के सॉल्यूशंस को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं. अब खाली यही तरह के सॉल्यूशंस नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड सुनते हैं हम, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशंस को या उसकी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के समय जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है उसको हम कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, मतलब इतना ज्यादा वो उसमें घुल सकता है. अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट घुल जाता है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है. और हम जो कंसंट्रेशन है वो दो तरह से निकाल सकते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. क्वालिटेटिव में क्या होगा कि जैसे अगर सॉल्यूट रिलेटिवली कम अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा है, मतलब रिलेटिवली थोड़ा सा मिक्स किया, तो ऐसे क्या, ऐसों को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होगा, रिलेटिवली जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा. और कंसंट्रेटेड में क्या होगा, रिलेटिवली जो सॉल्यूट है वो ज्यादा अमाउंट में होगा. अब हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी हम उसको अलग अलग मेथड में उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, भाई सॉल्यूट कितना परसेंट है, सॉल्यूट इतना है. इनके अलग अलग एरियाज में अलग अलग यूजेज हैं, अलग अलग मोड जो मेथड है वो यूज किए जाते हैं कंसंट्रेशंस फाइंड करने के. तो कुछ कंसंट्रेशंस हम देखते हैं किस तरह से निकाली जाती है. तो कंसंट्रेशंस फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन निकालना है तो उसमें सबसे पहला होता है मास बाय मास परसेंट. मास बाय मास परसेंट क्या होगा कि यहां जो मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन.
और परसेंट निकालना है इसलिए 100, मतलब जो सॉल्यूट है उसका मास नीचे मास सॉल्यूशन का आएगा। सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो टोटल मास है वो लिया जाएगा। तो इस तरह से, और जनरली ये जो मेथड है वो यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, जैसे कि बेकिंग सोडे का जो सॉल्यूशंस है या बेकिंग सोडा सॉल्यूशंस है उसमें कुछ परसेंट्स अप्रोक्स 3.62% सोडियम हाइपोक्लोरेट होता है वाटर के अंदर। तो इस तरह से उनकी कंसेंट्रेशंस जो ली जाती है सोडा सॉल्यूशन बनाने में, वो सॉल्यूशन ली जाती है मास बाय मास परसेंट के हिसाब से। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो हमें कोई ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो कह रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो अब यहां क्या आ जाएगा, मास की जगह हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे अगर शक्कर को हमने पानी के अंदर मिक्स किया तो उसका जितना वॉल्यूम होगा वो आएगा ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन इस तरह के जो यूजेस हैं जनरली कार के अंदर जो एंटी फ्रीज यूज होते हैं कार के इंजन वगैरह में, वो हम लेते हैं 35% ऑफ इथाइल ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसका 35% जो है वो उसकी कंसेंट्रेशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, तो इस तरह से इनके यूजेस होते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, देखते हैं हम। नेक्स्ट जो मेथड आएगा कंसेंट्रेशन फाइंड करने का वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो लो भाई ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो ऊपर जो है जो न्यूमेरेटर होगा वो आएगा आपका मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट और अपॉन में आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंट करना है इसलिए हो गया 100। तो इस मेथड का भी यूज काफी जगह होता है, जैसे कि जनरली इसका जो यूज है वो मेडिकल और फार्मासिस्ट में होते हैं, जो आपको दवाएं वगैरह मेडिसिन वगैरह दी जाती है इतने परसेंट में इस। तो मेडिकल या दवाएं वगैरह बनाने में जो कंसंट्रेशंस ली जाती है वो इस तरह की कंसंट्रेशंस का यूज होता है। जो नेक्स्ट आता है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ये जो पार्ट्स पर मिलियन है यानी हम इसको बोलते हैं पीपीएम, इसका जो यूज होगा वो यूज उस जगह बहुत ट्रेस क्वांटिटी में हो सॉल्यूट, बहुत ही कम अमाउंट में हो, और जो पॉल्यूटेंट्स है उनकी जो परसेंट निकाली जाती है वो इसी मेथड से निकाली जाती है। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन यानी जो कंपोनेंट है उसके पार्ट्स ऊपर आएंगे पीपीएम, पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट एंड देन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ये आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स और ऊपर आएगा पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट यानी जिसका परसेंट निकालना है उसका, और इनटू हो जाएगा 10^6। तो ये पीपीएम इस मेथड से यूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कंसंट्रेशन निकालने के बहुत से तरीके हैं और इनपे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके 9th में और 11th 12th इन क्लासेस में यूज होते हैं। उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उनको पढ़ने से पहले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। ओके, बाय।